हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। कपिल शर्मा को लाफा देके गदर मूवी के सेट से भगाया गया था, ऐसा कहना है खुद डायरेक्टर का। एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने कहा, एक समय था जब कपिल शर्मा को उन्हें डांटना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि तेरी वजह से एक और शॉट लेना पड़ेगा। कपिल शर्मा जो कि काफी फेमस और वेल नोन सेलिब्रिटीज में से एक है, उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में फैली हुई है। उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो सनी देओल की मूवी गदर का छोटा सा हिस्सा थे। वैसे तो वो सीन कभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन कपिल की यादों में हमेशा के लिए बस गया है। हाल ही में जब डायरेक्टर टीनू वर्मा से बात हुई, तब उन्होंने बताया कि कैसे वो कपिल शर्मा से चिढ़ गए थे और उन्हें सेट से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने बताया कि वो काफी लोगों के साथ शूट कर रहे थे और उस भीड़ का हिस्सा कपिल शर्मा थे। उन्होंने कहा, जब एक्शन कहने पर लोगों को ट्रेन की तरफ भागना था, लेकिन कपिल उल्टी दिशा में भाग रहे थे, वो भी दो बार। जैसे ही फिर से कहा गया एक्शन, टीनू वर्मा की पूरी टीम का फोकस कपिल पे ही था, वो फिर से उल्टी दिशा में ही भागे। ये होते ही टीनू वर्मा ने कहा कि मैंने कैमरा छोड़ा और कपिल पर चिल्लाया और कहा इसे बाहर निकालो। हाल ही में कपिल शर्मा ने भी इस इंसिडेंट को याद किया था अपने शो कपिल शर्मा शो में, जब सनी देओल एज अ गेस्ट आए हुए थे। कपिल का कहना है वो जानकर उल्टा भागे थे क्योंकि उन्हें नोटिस होना था, अगर वो भीड़ का हिस्सा होते तो शायद गुम हो जाते। रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल शर्मा जल्द ही वापस आ रहे हैं टीवी पे अपने हिट शो द कपिल शर्मा शो के साथ, और इसमें कुछ नए कलाकार नजर आएंगे और ये शो सितंबर से शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शो 3 सितंबर 2022 से शुरू होगा, टेलीकास्ट होना सोनी टीवी पे। जल्द ही गदर 2 भी आने वाली है जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल ही होंगे और टीनू वर्मा का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।